वेलकम फ्रेंड्स टू इन्फिनाइट ग्रीन एमटी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे गर्मी आ रही है तो हमें गर्मियों के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, हमें क्या सामान लेना है और हमें क्या करना है जिससे हम गार्डनिंग के तौर पर गर्मियों के लिए रेडी हो जाएं, और हमें क्या अरेंज करना है हमारी अरेंजमेंट, ताकि जैसे तेज गर्मी जो अभी आने की मार्च से लेकर जून जुलाई तक, उसके लिए हम अपने गार्डनिंग के तौर पर रेडी हो जाएं, हम इस तरह से रेडी हों कि हमारा गार्डन जो है, जो हमारे प्लांट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए इतने हार्ड समर में भी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आपके आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो जब भी सर्दियाँ से गर्मियाँ, गर्मियों से सर्दियाँ या फिर बरसात से सर्दियाँ आती हैं, जब भी ऐसे मौसम चेंज होता है तो देखिए शमी में पतझड़ आ जाता है। तो ऐसे में शमी में फिर से पतझड़ आ गया, आपके में भी आया होगा। और देखिए ऐसी ये सर्दियों से गर्मियों जब आती है तो देखिए स्टार या बीज जो होते हैं ये मोर पंखी के पौधे में आ जाते हैं, और थोड़े से हमारे जो चीटियों के अंडे का अटैक होता है वो भी आ जाता है, या जिसको आप छोटे मोटे पेस्ट अटैक के साथ भी कंसीडर कर सकते हैं। और एक बार क्या फ्लावरिंग देखिए, कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है इस प्लांट में देखिए। और सिमिलरली देखिए आप नारंगी के पौधे में देखेंगे तो इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो गई है और फ्रूटिंग भी जो हो रही है, अभी काफ़ी सारे फल यहाँ पर सेट हैं। तो देखिए आपको यही चेक करना है कि जो फल पक रहा है उसे तोड़ लें, क्योंकि देखिए ज़्यादा टाइम फल लगे नहीं छोड़ सकते हैं नारंगी के पौधे, क्योंकि अगर पौधा फ्लावरिंग कर रहा है और अगर उसमें पहले से ज़्यादा फल होंगे तो फ्लावर्स झड़ जाएंगे। तो फ्लावर्स को रखने के लिए हमें पुराने फ्रूट्स को हार्वेस्ट करते रहना चाहिए। जैसे देखिए अभी मेरे को देखने में ये फ्रूट लगा जो पक गया है, और इस पर साइज और क्वांटिटी भी बड़ी अच्छी मिली है। तो अब अपने मेन टॉपिक पे चलते ही, थोड़ी आपको गार्डनिंग टिप्स मैंने एक्स्ट्रा दे दी थी। तो देखिए सबसे पहला काम है आपको बीज खरीदना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी सीड्स खरीद लिए हैं, और देखिए एक ही मैंने केवल नई नोटिस करी कि देखिए जैसे हम सीड्स लेते हैं उस पर हाइब्रिड लिखा होता है, लेकिन इस बार मैंने कुछ सीड्स लिए जिनमें बहुत ज़्यादा अच्छा जर्मिनेशन रेट रहा, और इनमें हाइब्रिड जो लिखा था लेकिन साथ में प्रीमियम क्वालिटी सीड्स भी लिखा था। और देखिए मैंने लाल भिंडी, लाल गोल मूली, खीरा और हरी भिंडी, मैंने इन सब्जियों के मैंने बीज लिए हैं। और देखिए इसमें पीछे भी बड़े अच्छे से लेबल्ड है कि ये जो है कब एक्सपायरी होंगे, इनमें कौन कौन से केमिकल्स और क्या क्या यूज़ हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और देखिए उसके बाद दूसरा काम जो है बीज खरीदने के बाद, वो है बीजों को लगाना, क्योंकि देखिए फरवरी मार्च वो समय होता है जब हम सीड सोइंग कर सकते हैं समर के लिए। तो देखिए अभी आप बिल्कुल अपने बीज लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मूली के बीज लगा दिए, लाल मूली के लंबी वाली, और लाल गोली मूली के लिए मैंने नहीं लगाए। और जैसे यहाँ देखिए आपको मैं दिखाऊं, तो देखिए अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ, लेकिन मतलब अब हो चुका है जर्मिनेशन, लेकिन जब ये क्लिपिंग है इसमें अभी नहीं दिखा होगा आपको। तो देखिए कोने की छह रोज में मैंने खीरा लगाया है, इन पांच रोज में मैंने लाल भिंडी लगाई है, और इसे इधर मैंने छह रोज में हरी भिंडी और बाकी पाँच में लाल भिंडी के बीज लगाए हैं। ये देखिए ये मेरा मैंने अपने बीज लगा दिए सर्दियों के, गर्मियों के लिए। अब देखिए हमारा तीसरा काम जो है वो है ग्रीन नेट लेना। अब आप देखिए ये होता है ग्रीन नेट, और देखिए ये जो है इसको हम अपने गार्डन में कहीं बांध देते हैं, जिससे जब तेज़ धूप पड़ती है गार्डन में गर्मी की तो वो हमारे प्लांट्स को डैमेज नहीं करती। जैसे देखिए अभी तेज़ गर्मी आएंगी तो हमारे काफ़ी सारे प्लांट्स सूख जाएंगे, काफ़ियों के पत्ते जलेंगे, काफ़ियों के फूल जलेंगे, तो उस सब से बचने के लिए हम इसको लगाते हैं। तो आपको ये भी खरीदना पड़ेगा। देखिए अगली चीज़ है वाटर के लिए, आपको कोई अच्छा अरेंजमेंट करना है अपने गार्डन में। जैसे देखिए वो लोग होते हैं उनका एक परमानेंट अरेंजमेंट नहीं होता जिससे उनके गार्डन में पानी आ सके। देखिए आपको पानी का अच्छा अरेंजमेंट करना है, जैसे देखिए ताकि आप अपने प्लांट्स को अच्छे से वाटर कर सकें, क्योंकि अगर वाटर की प्रॉब्लम आएगी गर्मियों में तो फिर वो सही नहीं रहेगा। आपको अपने अपने खुद के हिसाब से एक अच्छा अरेंजमेंट वाटरिंग के लिए बनाना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ चुकंदर के बीज लगाए हैं। देखिए जैसे ये देखिए ये मेरे दो चुकंदर के पौधे हैं, मेरे पास जितने चुकंदर के बीज पड़े थे सब एक्सपायरी हो चुके थे, तो मैंने सारे डाल दिए कि उगेंगे तो ठीक है वरना नहीं उगेंगे तो मुझे पैसे भी फेंकने थे। तो देखिए दो चुकंदर के पौधे उनमें से मेरे उग गए। और आपको मैं और अच्छा
चीज़ दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरे गार्डन में मैंने विंटर्स में सौंफ लगाई थी, जब मेरे को एक डेढ़ महीने बाद उम्मीद है मिल जाएगी, तब ये देखिए कितनी अच्छे से ये ग्रो हो गई है और कितनी डेंस उगी है। देखिए जब मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँगा तो आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी दूंगा, लेकिन अभी आप देखिए कितनी मतलब अच्छी चीज़ की यहाँ पर देखने पर व्यू आ रही है, कितना ये डेंस बन गई है। और इसमें ऐसा मुझे लग रहा है मुझे एक डेढ़ महीने में सौंफ मिलनी शुरू हो सकती है। फ्रेंड्स हमारा अगला काम है कि मैं अपने गार्डनिंग के जो जो नीड्स हैं वो हमें लेके रखती हैं। जैसे देखिए अभी मैंने खाद हमारी गार्डनिंग में चाहिए होती है, तो देखिए यहाँ मैंने कुछ 4-5 पैकेट खाद लेके रख ली है। ये 3 नीले में है, एक येल्लो और एक पीछे रेड, एक साइड में रेड भी पड़ा है, वो भी खाद है। और देखिए मैं गर्मियों में कोकोपीट बहुत यूज़ होती है, तो अगर आपने नहीं खरीदी तो आप खरीद सकते हैं। देखिए ऐसे दिखती है कोकोपीट, इसकी ब्रिक होती है, तो इसको कैसे यूज़ करना है हम फिर कभी बात करेंगे, तो आप इसको लेके रख सकते हैं। देखिए इसी ये देखिए इसमें मैंने अपनी कोकोपीट रख रखी है, तो आपको वो भी गर्मियों में चाहिए ही चाहिए। और बाकी आप ग्रो बैग्स ले सकते हैं। देखिए मिट्टी रखनी है, जैसे ये देखिए बड़ा वाइट कट्टा जो है ये मैंने पूरा मिट्टी का भर के रखा है। देखिए यहाँ भी मेरे पास कुछ मिट्टी पड़ी है, और पीछे जो मैंने आपको छोटा सा पैकेट दिखाया था उससे भी मेरी मिट्टी थी। तो देखिए मैं मिट्टी रखनी है अपने गार्डन में ताकि मिट्टी की कमी ना हो। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए हो, प्रीमियम क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स चाहिए हो, या फिर ग्रो बैग्स या कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।